अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, कैसे होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखा रही हूँ, खुशबूदार सब्ज़ तुरई की सब्ज़ी। खुशबूदार सब्ज़ तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया और उसमें मैंने 2 अदद प्याज डाल दी और इनको मैं कलर दे रही हूँ। खुशबूदार सब्ज़ तुरई की सब्ज़ी में मतलब हम लोग इसमें अदरक लहसुन को स्किप कर देंगे और बाकी के साबुत मसाले यूज़ करेंगे इसमें, तो इससे जो है इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जब तक सॉफ्ट होते हैं और इनके कलर आता है तब तक मैं पकाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज का कलर तकरीबन आप देख सकते हैं कि चेंज होने वाला है। अब हम इसमें जो है साबुत मसाला डालेंगे, गरम मसाला साबुत, ठीक है, ये डाल देंगे इसके अंदर और इसकी खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बता दूँगी। तकरीबन 2 मिनट मैंने इस मसाले को पकाया और माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें 4 अदर टमाटर शामिल करेंगे और इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जब तक ये सॉफ्ट होते हैं तब तक वेट करते हैं। टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें बाकी के मसाले यूज करेंगे। डेढ़ चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे इसमें, हसबे जायका नमक, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर यूज करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसको पकाएंगे, उसके बाद अगला स्टेप करते हैं। दो से 3 मिनट हो चुके हैं और मैंने 2 से 3 मिनट इसको पकाना है और आप देख सकते हैं ऊपर आ चुके हैं। अब हम इसमें सब्ज़ तुरई शामिल करेंगे। ये मैंने इसको काट के ऐसे पानी में भिगो के रख दिया था, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आप लोगों ने भी काटनी है। इससे ये आसानी होगी कि आपकी जो तुरई है वो जल्दी गल जाएगी और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये शामिल करती हूँ इसमें। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाऊंगी। मैंने तमाम जो सब्ज़ तुरई थी मिक्स कर दी है, आप देख सकते हैं। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये अपने ही पानी में गल जाए और आपकी 10 मिनट में डिश तैयार हो जाएगी। आपने बिल्कुल इसी तरीके से पकाना है जो मैंने आपको बताया और आँच को हल्का कर देंगे। मैं आपको हल्का कर देती हूँ, मैंने हल्का कर दिया है और इसको ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे। 5 से 7 मिनट वेट करती हूँ। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारी जो खुशबूदार सब्ज़ तुरई का सालन है वो तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आई है। आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
अच्छे अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ कल हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।